हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है इसके ऊपर जो रोटावेटर है मेरा, उसका ब्लेड पूरा ख़त्म हो गया। पूरा ब्लेड ख़त्म हो गया तो इसको चेंज करना है। आज सब ढीला भी हो गया, सब ढीला हो गया। देखिए वायल सील भी कट गया है इसका, तो वायल सील भी चेंज करना है। तो डे बाय डे पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो लोग आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज इसका पूरा ब्लेड को उतारते हैं, उसके बाद नया ब्लेड इंस्टॉल होगा। बने रहिए वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिए। पहले इसको ट्रैक्टर में लगा के उसके बाद उठा के लिफ्ट उठा के उसके बाद खोलने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को इस रोटावेटर का जो लगभग 8 साल हो गया है, तो इसका ये मेड़ भी फट गया है, तो इसको भी वेल्डिंग कराना है। उसके बाद सोच रहे हैं इसको पूरा रिपेंट करवाएंगे। तो इसको पूरा वीडियो डे बाय डे प्रोसेस के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लेड खोलने का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे खोलने में। पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं खोलने में।
बहुत मेहनत करने के बाद एक दो और ये तीन तीन ब्लेड मतलब छः छः दिन बाद छः से 18 ब्लेड खुल चुका है। और दोस्तों इधर बाकी है, बाकी बस पूरा बाकी है इधर खोलने में। तो बहुत ज़्यादा ही जो नट है वो हार्ड है, क्या कि जंग। तो फाइनली दोस्तों पूरा ब्लेड खोल के हो गया कंप्लीट, देख लीजिए। और ये बाकी बच गया है तो इसको इसको काटना पड़ेगा ग्राइंडर से। और ये एक इसका नट हो गया है सीज। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका और पार्ट भी आपको इसी चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों और चैनल में 3K होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।